नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। तानाजी के नए मोशन पोस्टर में अजय का दमदार अंदाज। 19 नवंबर को आएगा ट्रेलर। जी हां, बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म तानाजी के चलते खूब सुर्खियों में है। तानाजी में अजय के साथ कई और सितारे हैं। फिल्म की चर्चा इन दिनों जोर शोर से हो रही है। इस फिल्म की तैयारी पिछले काफी वक्त से चल रही है। अपनी इस 100वीं फिल्म में अजय एक मराठा योद्धा के रोल में नजर आएंगे। अजय की इस फिल्म का बजट काफी ज्यादा बताया जा रहा है। अजय की ही प्रोडक्शन कंपनी के तले इस फिल्म को बनाया जा रहा है। बीते दिनों से ही फिल्म के कई पोस्टर्स सामने आए हैं। अब लीजिए, इस फिल्म का एक छोटा सा टीजर भी सामने आ चुका है। इस टीजर को देखने के बाद वाकई में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। छोटे से मोशन पोस्टर टीजर में दिखता है कि स्वराज से बढ़कर क्या। इसके बाद आगे अजय देवगन दिखते हैं। अजय अपने हाथों में केसरी रंग का झंडा लिए दिख रहे हैं और एक चोटी यानी कि पहाड़ी के पास खड़े हैं और अपने हाथ में झंडे को लहरा रहे हैं। इसके साथ ही फिल्म के ट्रेलर की भी जानकारी सामने आई है। इस फिल्म का ट्रेलर 19 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। फिल्म को 3D में रिलीज किया जाएगा। फिल्म में सैफ अली खान उदय भान सिंह राठौर का रोल प्ले करेंगे। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ सैफ अली खान भी नजर आने वाले हैं। फिल्म में सैफ अली खान सेकंड लीड में नजर आएंगे। फिल्म में अजय के साथ उनकी पत्नी और एक्ट्रेस काजोल भी नजर आने वाली है। काजोल लंबे वक्त बाद हस्बैंड अजय के साथ पर्दे पर वापसी करेंगी। फिल्म का बजट ही 150 करोड़ बताया जा रहा है। इस फिल्म में अजय सूबेदार तानाजी मालू सरे के रोल में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें, तानाजी से होगी अजय देवगन की सेंचुरी पूरी। जी हां, अजय देवगन बॉलीवुड में जल्द ही नया मुकाम हासिल करने वाले हैं। उनकी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर उनके 30 साल के फिल्म करियर की 100वीं फिल्म बन जाएगी। ऐसे में इस फिल्म के मेकर्स ने अजय देवगन की 100वीं फिल्म के पोस्टर से उनकी फिल्म तानाजी का पोस्टर तैयार किया था। इस मौके पर अजय देवगन को उनके फैंस से लेकर इंडस्ट्री में उनके दोस्तों तक हर कोई बधाई देता नजर आया था। उनकी वाइफ काजोल और शाहरुख खान ने भी अजय को इस मौके पर बधाई दी थी। और अब तानाजी का ये मोशन पोस्टर काफी शानदार है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।